गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में संस्कृत का पंचम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वाकेली। ठीक है, वाणी की क्रीड़ा, वाणी का खेल। ठीक है, पहले इसकी प्रस्तावना देखते हैं बच्चों। प्रहेलिकाम को न जानाती, पहेलियों को कौन नहीं जानता, अर्थात पहेलियों को सब जानते हैं, पहेलियां क्या होती हैं। ठीक है, कम वा जन्म ना आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका, कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मनोविनोदकारिणी यानी कि मनोरंजन पूर्वक पहेलिकाएं आकर्षित नहीं करती, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मनोरंजन पूर्ण पहेलियां आकर्षित नहीं करती हैं। एषा खलु मनोरंजनस्य प्राचीना विधा वर्तते। एषा मीन्स है ये क्या, ये पहेलियाँ। एषा स्त्रीलिंग शब्द है हमारा, यहाँ पे पहेलियों के लिए यहाँ पे ऐसा आया कि ये खलु यानी निश्चय ही मनोरंजनस्य मनोरंजन की प्राचीना विधा वर्तते, बहुत प्राचीन विधा है, यह मनोरंजन की बहुत प्राचीन विधा है। प्रहेलिका, प्रहवलिका, उक्ति वैचित्र्यम, वाकेली इत्यादि पर्याय शब्दा सन्ति, यानी कि पहेलियों के ये पर्यायवाची हैं। क्या क्या? प्रहेलिका, प्रहवलिका, उक्ति वैचित्र्य, वाकेली आदि ये पहेली के पर्याय शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलति। प्राय यानी कि प्राय सभी भाषाओं में, विश्व की सभी भाषाओं में भाषासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, भाषाओं में प्रहेलिका प्रचलति पहेलियां प्रचलित हैं, विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियां प्रचलित हैं। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकायां कृते पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोग है प्रसिद्ध है। अंग्रेजी भाषा की जो पहेलियां हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? पजल और रिडल बोलते हैं उनको। अंग्रेजी भाषा में जो पहेलियां होती हैं उनको पजल या रिडल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रहेलिकायां प्रश्न भवति, पहेलियां प्रश्न होती हैं। ठीक है, प्रश्न यानी क्वेश्चन, जो पहेलियां होती हैं वो प्रश्न होती हैं। यस्य उत्तरम श्रोता अन्वेषणीयम भवति, जिसका उत्तर श्रोता को यानी सुनने वाले को अन्वेषणीयम खोजना भवति होता है। जो पहेलियां होती हैं वो एक प्रकार के क्वेश्चन होती हैं जिनका आंसर सुनने वाले को खुद ढूंढना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेलियां दो प्रकार की होती हैं, स्वपदोत्तर प्रहेलिका अस्वपदोत्तर प्रहेलिका च इति। दो प्रकार की पहेलियां कौन कौन सी होती है? स्वपदोत्तर, जिसका उत्तर उसके अंदर खुद के अंदर होता है, एक ऐसी पहेली, और एक होती है अस्वपदोत्तर पहेली यानी कि जिसका उत्तर उस पहेली में नहीं होता है। कुछ पहेलियां तो ऐसी होती हैं जिनका उत्तर उसमें खुद में छुपा हुआ होता है, और कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं जिनका उत्तर उनमें नहीं होता है। ये दो प्रकार की पहेलियां होती हैं। स्वपदोत्तर प्रहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्रहेलिकाया पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वपदोत्तर जो पहेली होती है उसमें पूछने वाले, जो पूछा गया है प्रश्न, उसका उत्तर पहेली में पदेषु पहेली के पदों में एव ही क्वचित् कहीं निहितं भवति, निहित होता है। जो स्वपदोत्तर पहेली है उसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर उसी के किसी पद में छुपा हुआ होता है। अस्वपदोत्तर पहेलिकायां तु उत्तरं बहिर् एव, और अस्वपदोत्तर पहेली होती है उसका उत्तर बाहर ही, न तु पदेषु निविष्टम, किसी पद में नहीं होता है, यानी उसका उत्तर कहीं बाहर ही होता है, उसका उत्तर उस पदों में नहीं होता है। प्रहेलिकाशु या चमत्कृति दृश्यते सा कदाचित श्लेष यमक आदि अलंकार माध्यमेन, कदाचित चंदि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। यानी जो चमत्कृति चमत्कार दृश्यते, पहेलियों में जो चमत्कार, पहेलिकाशु पहेलियों में जो चमत्कार दृश्यते दिखाई देता है, सा कदाचित श्लेष यमक आदि अलंकार, वह श्लेष यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कदाचित कभी, संधि समास आदि के माध्यम से
उत्पाद्यते उत्पादित होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि पहेलियों के अंदर जो चमत्कार दिखाई देता है वो कभी कभी श्लेष आदि, श्लेष यमक आदि अलंकारों के माध्यम से, कभी संधि और समास के माध्यम से उत्पन्न होता है। पहेली का न केवलम मनोविनोदकारी का अपितु बौद्धिक व्यायाम आदि का संति, पहेली जो होती है वो केवल मनोरंजन का कारक ही नहीं होती है अपितु बौद्धिक, बुद्धि का व्यायाम, कसरत, बुद्धि का एक्सरसाइज भी होती है इससे, किससे, पहेली से। इयम शाब्दी क्रीड़ा अपि, इससे शाब्दिक क्रीड़ा होती है, शब्दों का खेल होता है। बौद्धिक क्रीड़ा से अपि और बुद्धि भी, यानी कि इससे डेवलप होती है पहेलियों से, ठीक है। संस्कृत कवि है पहेली का परंपरा संवर्धित वंत है, संस्कृत के कवियों ने पहेलियों की परंपरा को बढ़ाया है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्ध पहेलिका विविधेभ्य ग्रंथेभ्य समाकृष्य प्रस्तुयन्ते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में काश्चन किन्हीं प्रसिद्ध पहेलिकाओं के विविध ग्रंथों से, अलग अलग ग्रंथों से समाकृष्य प्रस्तुयन्ते, कुछ पहेलियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्यताम आओ, पठ्यताम पढ़ें, आस्वाद्यताम और इनका आस्वादन करें, आनंद प्राप्त करें, कि आओ हम इन पहेलियों को पढ़ते हैं और इनका आस्वादन प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों आगे हमारी पहली पहेली हमारी क्या है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंती करीणाम कुलम, किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह प्लायते। क्या कहा है इसके अंदर, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी जायते उत्पन्न होती है, कस्मात् यानी किससे, कस्मात् के अंतर पंचमी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, पंचमी, यानी किससे, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, ठीक है। को हंती करीणाम कुलम, कौन यानी कह के विसर्ग लगाते हैं तो विसर्ग का ओ हो जाता है यहाँ पे, को हंती, कौन मारता है करीणाम हाथियों के कुलम, कुल को, हाथियों के कुल को कौन मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, किम क्या कुरियात करता है, कातरो कायर पुरुष, युद्धे यानी युद्ध में, युद्ध में कायर पुरुष क्या करता है। तो देखिए अब इनके उत्तर हमें कहाँ से प्राप्त होंगे, जो हमारे लास्ट की लाइन है कि मृगात सिंह प्लायते, मृगात यानी मृग से, सिंह यानी सिंह, और प्लायते यानी भाग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चरण है यहाँ पे कस्तूरी जायते कस्मात, ये हमारा पहला है, ठीक है। इसका आंसर ये होएगा मृगात, यानी कस्तूरी कहाँ से उत्पन्न होगी, होती है मृगात यानी हिरण से, ठीक है। दूसरा हमारा है को हंती करीणाम कुलम, कौन मारता है हाथियों के कुल को, कौन मारता है, सिंह, कौन मारता है, सिंह मारता है, ठीक है। तीसरा हमारा है, तीसरा चरण क्या है, किम कुरियात कातरो युद्धे, कायर युद्ध में क्या करता है, प्लायते यानी भाग जाता है, जो कायर पुरुष होता है वो युद्ध में क्या कर सकता है, भाग ही जाएगा ना। तो देखिए इसका कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, मृगात मृग से। को हंती करीणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, सिंह है, सिंह मारता है। किम कुरियात कातरो युद्धे, और कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, प्लायते यानी भाग जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, भोजनान्ते च किं पेयम् जयन्तः कस्य वै सुतः, कथं विष्णु पदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। देखिए अपनी सेकंड पहेली को, भोजनान्ते च किं पेयम्, भोजनान्ते यानी भोजन के अंत में, किम पेयम क्या पीना चाहिए, जयंत है कश्य वही सुत, जयंत जो है वो किस, कश्य यानी किसका पुत्र है, कश्य में कौन सी विभक्ति है हमारे यहाँ पे, षष्ठी विभक्ति है, कौन सी है, षष्ठी, कश्य यानी किसका सुत है यानी पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कैसा है विष्णु पदम, विष्णु का पद प्रोक्तम कहा गया है, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, तक्रम होता है छाछ, क्या होता है छाछ, सक्रस्य यानी होता है इंद्र, दुर्लभम यानी होता है कठिन, ठीक है, कि छाछ है जो कृष्ण को दुर्लभ है, छाछ कृष्ण को दुर्लभ है, नहीं सॉरी इंद्र को, इंद्र को छाछ दुर्लभ है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चरण है, पहला चरण है, उसको देखिए। भोजना अंते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, क्या पीना चाहिए, तक्रम छाछ, भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। जयंत कश्य वही सुत है, जयंत किसका पुत्र है, किसका पुत्र है, शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, दुर्लभ, दुर्लभ यानी कठिनता से प्राप्त होने योग्य। कृष्ण का पद कैसा, सॉरी विष्णु पद कैसा कहा गया है, कठिनता से प्राप्त होने योग्य। ठीक है, तो भोजन अंते च किम पेयम, तक्रम भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए। जयंत कश्य वही सुत है, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य यानी इंद्र का पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसा कहा गया है, दुर्लभम यानी कठिन कहा गया है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए अपना, रवे कवे किम समरस्य सारम, कृषे भयम किम किम दंती भृंगा, सदा भयम च अपि अभयम च केशाम, भागीरथी तीर समाश्रितानाम। ये पहेली हमारी बहुत ध्यान से देखने योग्य और इम्पोर्टेंट पहेली है बच्चों। देखिए इसको, रवे यानी होता है सूर्य, ठीक है, सूर्य, रवे यानी क्या होता है, सूर्य, और कवे यानी होता है कवि, ठीक है, समरस्य यानी होता है युद्ध, और सारम होता है सार, कि सूर्य कवि और युद्ध का क्या सार है। ठीक है बच्चों, कृषे भयम किम, कृषि को किससे भय है, कृषे यानी कृषि को, भयम यानी भय है, किम यानी किससे, किम दंती भृंगा, भृंगा होता है भंवरा, क्या होता है, भंवरा, कि भ्रंग जो भंवरा होता है वो क्या खाता है। ठीक है, सदा भयम, सदा भय किसको रहता है, चैपी अभयम, और अभय किसको रहता है, केशम यानी किनको रहता है। तो इसका आंसर हमारा सारा इस हमारी चौथे चरण के अंदर दिया गया है, तो इसको हम अब अच्छे से समझेंगे किस प्रकार से है ये। देखिए बच्चों, सबसे पहले है हमारा रवे, ठीक है, रवे यानी रवि यानी सूर्य, ठीक है, इसका आंसर हमारा यहाँ पे है भा, भा यानी होता है प्रकाश, आभा, ठीक है। तो सूर्य का क्या काम है, क्या का सार है सूर्य का, आभा प्रकट करना, प्रकाश फैलाना, ठीक है। दूसरा हमारा है कवि, ये पहला हो गया, पहले का आंसर हमारा ये है भा, ठीक है, कि सूर्य का काम क्या है, आभा प्रकट करना, प्रकाश फैलाना। कवे यानी कवि का क्या काम है, गी, गी यानी वाणी, ठीक है, वाणी होता है गी मीन्स कि भाषा, कि कवि का क्या सार होता है, भाषा, वाणी। समरस्य युद्ध का क्या सार होता है, रथी, जो यहाँ पे हमारा रथी है, ये रथी यानी सारथी जो होता है, वीर जो योद्धा होता है, वो युद्ध का सार है, ठीक है। आगे देखिए, कृषे, कृषे जो कृषि है उसको किससे भय है, यहाँ पे जो थे के अंदर ई है वो ई और ती, ठीक है बच्चों, इति, इति मीन्स क्या होता है, इति यानी ज़्यादा हो जाना किसी भी चीज़ की, इति अतिवृष्टि, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना और बहुत कम बारिश होना यानी बिल्कुल भी ना होना, इस इन चीज़ों से किसको भय होता है, कृषि को भय होता है, ठीक है। किम दंती भृंगा, और जो भंवरा होता है वो क्या खाता है, यहाँ पे देखिए अपना, अब ती के बाद क्या है, रसम, क्या है यहाँ पे हमारा, रसम है, कि भंवरा क्या खाता है, रसम, रस खाता है, ठीक है। आगे देखिए हमारा सदा भयम, सदा भय किसको रहता है, आश्रितानाम, जो आश्रित रहते हैं दूसरों के ऊपर उनको सदा भय रहता है, ठीक है बच्चों। चे अपि अभयम केशाम, और अभय किनको रहता है, जिनको कभी डर नहीं रहता, वो कौन होते हैं, भागीरथी तीर समाश्रिताम, जो भागीरथी गंगा के किनारे, भागीरथी यानी होता है गंगा, तीर यानी होता है किनारे, और आश्रिताम आश्रितानाम होता है आश्रित यानी रहने वाले, जो हमेशा गंगा के किनारे रहते हैं उनको भय नहीं होता है, अभय रहता है यानी वो निडर रहते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करते हो आपको समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से देख लो बच्चों, रवे यानी सूर्य का क्या काम होता है, आभा प्रकट करना, कवि का सार होता है वाणी, योद्धा युद्ध का सार होता है वीर, जो यहाँ पे रथी लिखा हुआ है,
कृषि को किससे भय रहता है? इति यानी अतिवृष्टि और अनावृष्टि से। किमदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं? रसम, रस खाते हैं। सदा भयम, सदा भय किसको रहता है? आश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उनको सदा भय रहता है। च अपि अभयम केशाम, और अभय किनको रहता है? जो भागीरथी यानी गंगा के किनारे रहने वाले हैं वो निडर रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए अपना। सीमंती नीशु का शांता, राजा को अद्भुत गुणों उत्तम, विद्वद भी का सदा वंद्या, अत्र उक्तम न बुद्धते, अत्र एव उक्तम न बुद्धते। यहाँ पे क्या बताया गया है कि सीमंती नीशु का शांता, यहाँ पे पहेली है हमारी, इस पहेली के अंदर क्या जानना है हमें, यहाँ पर ही सब कुछ कहा गया है न बुद्धते और हम नहीं जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अत्र ए उक्तम, यहीं पर ही कहा गया है न बुद्धते, हम नहीं जानते हैं। इस पहेली के उत्तर इसी पहेली के अंदर कहे गए हैं लेकिन हम नहीं जानते हैं, वो हमको खोजने हैं। तो इस पहेली के उत्तर कैसे होंगे, जो हमारा पहला चरण है इसका आंसर कैसे होएगा कि जो चरण का आदि और अंत अक्षर है, आदि यानी इसका आदि यानी शुरू का क्या है, सी है, और अंत में क्या है, ता। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट जो चरण है उसमें हमारा पहला रा है और लास्ट में क्या है, मैं है। इसमें हमारा थर्ड चरण में क्या है, पहला वी है और लास्ट में क्या है, द्या, विद्या। ठीक है बच्चों, तो अभी हमें इसको देखना है। सीमंती नीशु, सीमंती नीशु होता है स्त्रियों में, का शांता, शांत कौन है, स्त्रियों में शांत कौन है, कौन है, सीता है। ठीक है, राजा को अद्भुत गुणों उत्तम, राजा कौन है जो अद्भुत गुणों से उत्तम है, सभी गुणों में उत्तम है, वह राजा कौन है, राम है। विद्वद भी का सदा वंदे, और विद्वानों में किसकी सदा वंदना होती है, किसकी होती है, विद्या की। ठीक है, अत्र ए उक्तम न बुद्धते, यहाँ पर ही सब कुछ कहा गया है, न बुद्धते नहीं जानते हैं। ठीक है, सीमंती नीशु का शांता, स्त्रियों में कौन शांत है, सीता, यानी हमने पहला अक्षर लिया और लास्ट सीता। ठीक है, राजा को अद्भुत गुणों उत्तम, अद्भुत गुणों से उत्तम कौन राजा है, राम है। विद्वानों में सदा किसकी वंदना होती है, विद्या की वंदना होती है। ठीक है बच्चों, बहुत मज़ेदार और आनंद प्रदान करने वाली पहेलियाँ हैं ये, अगर हम इनको दिल से मन से पूरा ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। आज के लिए चार ही पहेलियाँ काफ़ी है, आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।